तो हम जो है पहुंच गए हैं MM फन सिटी रायपुर में, और आप देख सकते हैं हम जो अभी बस से उतरे हैं और सामने है प्रवेश द्वार, इसी से हम जो है अंदर जाएंगे। और चलिए देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बहुत ही कड़ाई से चेकिंग होते हैं गार्ड लोग जो है, और सभी का बैग जो है बारी बारी से चेक हो रहा है। चेकिंग होने के बाद ही जो हमें एक हाथ में बेल्ट पहना दिया जाएगा, उसके बाद जो हम अंदर जा सकते हैं। और बिना बेल्ट का तो यहाँ पर अंदर आप जा ही नहीं सकते हैं। और बैग का जो है बड़ी ही कड़ाई से चेक होते हैं। तो हमारा बैग का चेकिंग हो गए, हम पहुँच गए हैं MM फन सिटी के अंदर। अभी जो है शाम के वक्त है और आप देख सकते हैं सामने जो है अभी लॉज है, हमें लॉज जो है किराए पे लेना पड़ेगा और हम रात को यहीं पर रुकेंगे और खाना पीना डिनर सब यहीं पर रहेगा और कल सुबह हम करेंगे फन MM फन सिटी में। अभी हो गए सुबह और हमारे हाथ में आ गए हैं चाय, हम चाय का मज़ा लेंगे, उसके बाद जो हम निकलेंगे बाहर। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे ही हमने दरवाज़ा खोले और दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर का जो नज़ारा था बहुत ही ख़राब नज़ारा था। आप देख सकते हैं हम जो बाहर जो है कितने ज़ोर से बारिश हो रहा है, और ये बारिश जो है रात भर कल रात से चालू हो गया था बारिश। और जैसे हमने दरवाज़ा खोले कि सोचा कि बारिश भी कम हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं रहा है, पूरे रात भर बारिश हुआ है। और अभी भी मौसम बहुत है, ऐसा लग रहा है कि पूरा आज दिन भर ही बारिश होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जो है हम आए हैं MM फन सिटी रायपुर में, हालांकि हम काली आ गए थे और आप देख सकते हैं बारिश ही बारिश चालू हो गई। जब हम कल शाम को आए थे तो बारिश नहीं था, हल्का फुल्का बादल छाए हुए थे, लेकिन जैसे ही कल हम यहाँ पहुँचे, होटल वगैरह लिए हैं वो साइड में, होटल में रुके और जैसे सुबह हमने दरवाज़ा खोले तो देख रहा हूँ बारिश ही बारिश हो रहे हैं। और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं फन सिटी का जो है पानी में जो है सब कुछ रेडी है, लेकिन अभी हो रहा है बारिश। और बाकी मेरा साथी लोग जो है अभी है रूम के अंदर और मैं अभी थोड़ा छत्ता लेके आ गया हूँ। तो आप सामने देख सकते हैं सब कुछ रेडी है और बारिश के कारण हम जो है रूम पे ही बंद हो गए हैं और मैं भी आया हूँ छत्ता लेके देखने के लिए। चारों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आओगे तो आप मज़ा ही मज़ा पाओगे, पूरा फनी फन MS फन सिटी रायपुर। तो आप मेरे ऊपर देख सकते हैं सिर्फ वाटर पूल, अभी सिर्फ देख ही पा रहा हूँ, इसके नीचे अभी छत्ता लेके मैं खड़ा हूँ क्योंकि बारिश ही हो रहा है, इसमें चलने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार बारिश थोड़ा कम हो जाए फिर इंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं चारों और बढ़िया एक से एक वाटरफॉल स्लीपिंग बना हुआ है, यहाँ पर मज़े के लिए एक से एक बन के है, लेकिन क्या करें बारिश में हम छत्ता लेके घूम रहे हैं। ये देखिए स्विमिंग पूल और एक MM फन सिटी। सच में अगर बारिश नहीं होता तो अभी तक तो मज़ा ही आ जाते थे, लेकिन कब क्या मालूम बंद होगा बारिश। सामने है हमने जो रूम लिए हैं, सभी लोग दरवाजे में ही खड़े हो गए हैं और चलिए नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। नाश्ते के एक घंटे के बाद जो हम जो है थोड़ा क्रिकेट खेले आधा एक घंटा तक, उसके बाद जो है हम चले गए थे पानी में और पानी में हम लोग बहुत ही इंजॉय किए। चलिए हम आपको दिखाते हैं हम पानी में किस तरह से इंजॉय किए हैं। Thank you.
तो आप देख सकते हैं बढ़िया मजा आ रहा है, सभी जो फन कर रहे हैं अभी। Woo!
छोड़ दे। ऐसी बारिश चल ही रहा था और इसी के बीच हम 11:30 के बीच हम सब लोग आए गए थे और बहुत सारा जो यहाँ पर इंजॉयमेंट फन किए हैं, मज़ा किए हैं। और अभी जो है 3 से 4 घंटे हो गए पानी के अंदर है, ऊपर से पानी भी, अभी बारिश भी हो रहे हैं और इसी के बीच हमने बहुत सारे जो है इंजॉयमेंट किया है यहाँ पर। और अभी वक्त हो गया है खाने का, अभी लंच करेंगे, जाएंगे। सुबह का नाश्ता हम लोग का हो गया था, उसके बाद जो है हम अभी जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो गया है और ऊपर से बारिश, नीचे का पानी पूरा ठंड, कपकपी ठंड लग रहा है अभी। और हम जो जाएंगे अभी और उसके बाद जो कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद 4 बजे यहाँ से रवाना होंगे फिर रायपुर के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है MS फन सिटी चारों ओर, यहाँ पर लोग आते हैं इंजॉयमेंट करने के लिए। वैसे तो हम आए थे लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा इंजॉयमेंट ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग इंजॉयमेंट किए हैं और इसके बाद जाएंगे रूम की ओर। तो चलिए दोस्तों जाते हैं रूम की ओर।